हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल मंडल करियर फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन अपलोड किए थे सुबह में, और वो क्वेश्चन था हाइट एंड डिस्टेंस का। उम्मीद किए थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बनाएंगे, लेकिन बहुत ही कम स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए। और आज मैं जो क्वेश्चंस दिए थे वो एसएससी लेवल में पूछे जा चुके थे। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स, अभी जो क्वेश्चंस नहीं बना पाए थे वो आप अभी जो सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूं आप उसे देखकर समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन ये था कि एक मॉल बिल्डिंग था, है ना, एक मॉल बिल्डिंग था। इस मॉल बिल्डिंग के ऊपर एक ध्वज दंड स्थित है, ठीक है, एक जिसका ऊंचाई दिया हुआ है 75 मीटर, ठीक है। और ये जो ध्वज मॉल भवन है इसका ऊंचाई दिया हुआ था 325 मीटर, क्लियर। अब यहां पर देखिए, मॉल भवन का लंबाई ऊंचाई दिया हुआ 325 और ध्वज दंड का ऊंचाई दिया हुआ है 75, यानी पूरा ये कितना ऊंचाई हो जा रहा है, 400 मीटर, क्लियर। अब यहां पे कहता है कि एक 400 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक व्यक्ति है, तो 400 मीटर अगर ये है तो 400 मीटर ऊंचाई ये भी होगा। अगर कोई 400 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक व्यक्ति है तो इसका ऊंचाई के बराबर ये भी होगा, 400 मीटर है ये भी। तो अब यहां पर एक व्यक्ति जो है यहां से ध्वज दंड के पाद बिंदु और मॉल भवन के पाद बिंदु पर थीटा कोण अंतरित करती है, ठीक है, बराबर कोण थीटा अंतरित करती है, ठीक है। तो इसका ये यहां से ये जो ध्वज दंड है, ध्वज दंड के पाद बिंदु और मॉल भवन के पाद बिंदु से यहां पर थीटा कोण अंतरित करती है, बराबर कोण थीटा, यहां पर भी थीटा और यहां पर भी थीटा करती है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है कि यहां से ये ध्वज दंड और ये व्यक्ति के बीच में क्षैतिज दूरी, तो मान लीजिए क्षैतिज दूरी एक्स मीटर है, तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था इसे जानते हैं। तो मान लीजिए कि ये ए बी और सी इसको ले लेते हैं, और यहां पर ए बी डी दो ट्रायंगल हम लोग देख पा रहे हैं, ए बी सी और ए सी डी, क्लियर। तो यहां पर देखिए, अगर हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी में बात करते हैं, ए बी सी में, तो यहां पर देखिए हम लोग टेन थीटा बराबर बोल सकते हैं, टेन थीटा बराबर हम लोग पी बाई बी होता है ना, तो 75/x बोल सकते हैं। और इन ट्रायंगल ए सी डी पे अगर बात करेंगे, ए सी डी पे, तो टेन थीटा और थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा पूरा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल पे है ना। तो टेन 2 थीटा बराबर इक्वल टू ये पूरा ऊंचाई कितना हो जा रहा, 400/x, क्लियर। अब इस पर हम लोग को ये जो x का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहां पर देखिए tan 2 थीटा जब आ रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि tan 2 थीटा बराबर क्या होता है। तो tan 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan θ/1 − tan²θ, है ना। अब इसी का वैल्यू को पुट करेंगे तो tan 2 थीटा बराबर 400/x दिया हुआ है, 2 × tan θ का वैल्यू 75/x, है ना, डिवाइडेड बाय 1 − 75/x का स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व करना है, तो मान लीजिए यहां पर इसको इसको एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 25 3 जा 25, यहां पर 1 जा और 25 6 जा, तो 3 2 जा 6, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे इसको इधर कर देते हैं, तो 1 − 75/x का स्क्वायर इक्वल टू 3 2 जा 6 / 16 कह सकते हैं। अब इसको अगर इसको मान लीजिए उधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, तो इसको सॉल्व किए 1 − 6/16 इक्वल टू 75/x, है ना, स्क्वायर ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 10/16, है ना, 10/16 इक्वल टू 75/x का स्क्वायर। अगर हम लोग इधर इसको स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर रूट दे सकते हैं, 10/16 इक्वल टू 75/x, क्लियर। अब इसको सॉल्व अगर करते हैं तो क्या करेंगे, यहां पे रूट को हटाना, यहां पे रूट 10/4 बोल सकते हैं, इक्वल टू 75/x, है ना। अब देखिए इसको सॉल्व अगर यहां पर करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू 75 × 4, है ना, यानी 75 × 4 यानी हो जाएगा 300/√10। तो रूट 10 को हटाएंगे तो यहां पर रेशनलाइज जब करेंगे तो 30√10 आपका आंसर होगा,
क्लियर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस कभी कभी आपको एग्जाम में मेंस लेवल पे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको एसएससी में मेंस लेवल में पूछे भी जा चुके हैं। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या रिविजन भी करते रहिएगा बराबर आप। और मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि कल 21 अप्रैल है और वहाँ से मैं आपको एवरीडे 20 क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग में आपके लिए देने वाला हूँ। अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज पर जुड़ते हैं तो आप हमारी कॉन्टैक्ट दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, कॉल करके आप कन्फर्म कर सकते हैं कि कैसे आपको हमारे इस टेस्ट सीरीज में जुड़ना है। और इसमें आपको पूरे 3 महीने में 1800 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा जो आपके एग्जाम पैटर्न के होंगे। आपको कोई मार्केट में बुक्स वगैरह जो भी हैं आप परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरी इस टेस्ट सीरीज से जुड़ते हैं। कंटिन्यूस आप एवरी डे आप 20 क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं तो आपको एवरी डे जो प्रैक्टिस सेशन होगा वो कंटिन्यूस फॉर्मेट पर रहेगा, जिससे आपको 3 महीना में 1700-1800 क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब समझ लीजिए कि आपकी प्रैक्टिस कैसी होगी। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स जो स्टूडेंट्स एवरेज स्टूडेंट्स हैं या फिर एवरेज एंड बिलो हैं या फिर अच्छे स्टूडेंट्स हैं सभी कोई हमारे स्टेट ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपनी इंप्रूवमेंट को अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और भी रफ्तार दे सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आज का क्लास आपको ये जो क्वेश्चंस को आप सॉल्व अगर जो नहीं जानते थे अगर उनको समझ में आ गया होगा तो उम्मीद करेंगे कि आपको आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।